देखिए कांग्रेस का लंबा इतिहास है, 125 साल से भी ज़्यादा कांग्रेस का इतिहास है। आज़ादी की जंग लड़ने से लेकर के जो आधुनिक भारत हम देख रहे हैं, इसमें कांग्रेस और कांग्रेस के महान नेताओं का, हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस के चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, शहीद हो गए। मनमोहन सिंह जी की जो जिस प्रकार की नीतियाँ थी, नरसिम्हा राव जी ने जिस प्रकार से मंदी से देश को उबारने का काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम देश के प्रधानमंत्री के रूप में किस प्रकार से उनकी सोच से ये हिंदुस्तान आज जो विश्व में बहुत अहम स्थान रखता है उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आज़ादी के बाद में रखी थी। तो कांग्रेस का एक बहुत ही बड़ा त्याग, तपस्या, बलिदान का इतिहास है। उसको लेकर के हम इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से जिला ब्लॉक स्तर के ऊपर, ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर जाएंगे, कांग्रेस का इतिहास बताएं। हमारी जो सरकार है, जो राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बनी है, 3.25 साल के लगभग हो गए हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, अच्छा बजट है, फ्लेक्सिबल योजनाएं हैं, वो गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचे, इसका लाभ लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। केंद्र की सरकार 8 साल से जो वादे करके केंद्र में सत्ता में आई थी, आज की तारीख में वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। 70 साल का हिसाब मांगने वाले लोग 7 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये महंगाई जो कम करने की बातें हुई थी, आज महंगाई आसमान छू रही है, 2 वक्त का रोटी गरीब को मिल नहीं रही है, युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात केंद्र की मोदी सरकार करती थी वो कहाँ है, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करती थी, आज आप देख सकते हो 15 महीने से खून के आंसू किसानों को रुलाए गए हैं, जो किसान को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, चंद पूंजीपतियों के लिए लाभ के लिए केंद्र की सरकार काम कर रही है। तो ये गांव-गांव ढाणी-ढाणी में केंद्र सरकार की विफलताओं को भी बताना है और साथ साथ संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को जिनके आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में आए, उनको तमाम योजनाओं का लाभ मिले, ये भी सुनिश्चित हम संगठन के माध्यम से करेंगे। और जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसको भी हम गति दे करके डिजिटल सदस्यता अभियान के माध्यम से हर बूथ से 100 व्यक्तियों को जोड़ने का हमारा जो टारगेट है उसके लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रशिक्षण शिविर जो ये स्टेट लेवल के ऊपर हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, फिर हम ब्लॉक लेवल के करेंगे, फिर ग्राम पंचायत लेवल पे करेंगे, इसमें ये 3-4 चीज़ें प्रमुख हो गई हैं। हमारा कांग्रेस का इतिहास, योगदान देश के निर्माण में, और उसके बाद में फ्लेक्सी योजनाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक मिले, और केंद्र सरकार की विफलताएं और संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ में संगठन को मजबूत करना, ये हमारे प्रमुख उद्देश्य। बजट में ऐसी कौन सी खास बातें जिनको लेकर जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी और कहेगी कि हमने ये जो फैसले लिए ये निश्चित तौर, आप देखिए इस बजट में सबसे पहले तो जो सबसे पॉपुलर डिमांड थी 9 लाख कर्मचारियों की, कि हमारी जो पुरानी पेंशन पद्धति है वो लागू की जाए। देश में पहला राजस्थान है जहां पर यह ओपीएस की जो पुरानी पेंशन पद्धति है उसको लागू करने का निर्णय लिया गया। देश में दूसरा राज्य है, घोषणा में तो पहला था लेकिन इंप्लीमेंट होने से पहले एक जगह कृषि बजट और रख दिया गया, शायद तमिलनाडु में का, यहाँ पर कृषि के लिए अलग बजट रखा गया है, आप सबके सामने है। जो जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं, 1,38,20 स्कूल हैं सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी करना, ग्राम पंचायत के ऊपर जो प्राइमरी है तो उसको ऑटोमेटिक मिडिल करना, मिडिल है तो उसको सीनियर सेकेंडरी करना, 36-36 कन्या महाविद्यालय, पहले बजट में 123 महाविद्यालय खोले गए थे। कृषि के क्षेत्र में आप देखिए जो किसान को 12,000 रुपये का लाभ एक साल में, यानी 10 HP तक का कनेक्शन उसका फ्री हो गया। घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली के क्षेत्र में हमने जो फायदा देने की बात की है, अनुदान हम दे रहे हैं, दूध के लिए किसान को अनुदान दे रहे हैं, कि कृषि को मजबूत करने के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए अनेकों फैसले आप सब ने देखा होगा। आज बिजली के क्षेत्र में 16-17 हज़ार करोड़ रुपये, हम पहले कृषि कनेक्शन के हिसाब से 90 पैसे लेते थे, बाकी पैसा हम नहीं ले रहे हैं तो वो अनुदान दे रहे हैं, 1,450 करोड़ रुपये हम उसके दे रहे हैं, जो 12,000 रुपये हम दे रहे हैं, और 4,500 करोड़ रुपये लगा करके जो हमारी 9 साल की कृषि कनेक्शनों की जो वेटिंग है उसको समाप्त करने का काम करेंगे।
जो कर्मचारियों के लिए 2013 में अशोक गहलोत जी ने फैसला लिया था वो 2017 में वसुंधरा जी ने वापस ले लिया, जिससे 2.5 लाख जो LDC वगैरह जो कर्मचारी हैं वो मंत्रालय कर्मचारी, उनको 4-4.5 हज़ार रुपये का प्रतिमाह नुकसान हो रहा था, उसको वापस लागू करने का काम किया है। मेडिकल कॉलेजें खोल रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में कोई कमी नहीं है, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, सारी वो चीज़ें हैं जो प्रदेश की जनता ने डिमांड की। और अभी भी जब तक ये पूरा डिमांड पारित नहीं हो जाता तब तक मुख्यमंत्री जी अनेकों फैसले करेंगे, अनेकों घोषणाएं करेंगे, जो जनता चाहती है वो काम हम लोग करेंगे। सर, आपका जो बाड़मेर जिले के दो विधायक नाराज हैं, एक बड़ोतरा जिला बनाने की मांग की और दूसरा अमीन खान जी, उनका आरोप है कि सरकार ने मुसलमानों की अनदेखी की है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नाराज कोई नहीं है, एक बात, पार्टी से कोई नाराज नहीं है, सरकार से कोई नाराज नहीं है, अपनी बात कहने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। और राजस्थान की विधानसभा इसीलिए बनी हुई है कि अगर किसी के मन में कोई बात हो तो वो अपनी बात रख दे, रखने में कोई नाराजगी, पार्टी भी उनसे कोई नाराज नहीं है, न वो पार्टी से नाराज हैं, उनकी डिमांड है, उनकी बात है, उसको पूरी तरीके से सुना जाएगा, पार्टी संगठन और सत्ता के लेवल पे दोनों जगह सुनी जाएगी और यथासंभव जो चीज़ हो सकती है वो हम लोग पूरी करेंगे। सर, महाराणा प्रताप की जो आपके बयान है उसके ऊपर बवाल मच रहा है, काले झंडे आपको दिखाए जा रहे हैं अभी बीच रास्ते में, अभी काफ़ी मेरे को तो कोई तो झंडा नहीं दिखा रहा है, कोई मैंने गलत बात नहीं की, महाराणा प्रताप की वीरता के ऊपर, उनके शौर्य के ऊपर किसी को प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो टिप्पणी ये मैंने की थी वो केवल किताबों में उन्होंने जिस प्रकार से धर्मयुद्ध बताया था उसको लेकर के थी, जबकि महाराणा प्रताप ने अधीनस्थता स्वीकार नहीं की, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी, ये उनकी वीरता हमारे कण कण में मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों का काम ही इतना ही रह गया है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जाए, नॉन इश्यू को इश्यू बना के ये कामयाब नहीं हो सकते। 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आंदोलन किया है तो बताइए, एक भी जनता की मांग उठाई है तो बताइए, 20.5 लाख बच्चों के भविष्य के ऊपर उन्होंने एक तरीके से हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, फिर भी हमने कहा 32,000 नहीं, हम 62,000 बच्चों को नौकरी देंगे, और मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि 1 लाख हमने नौकरियां दे दी हैं, 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है और 1 लाख हम अगले साल तक और दे देंगे, तो 3.25 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम सरकार हमारी कर रही है, इसलिए इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। ये लोग बाग पचा नहीं पा रहे हैं कि आज सारे के सारे कर्मचारियों के परिवार खुश हो गए, सारे युवा इतनी भर्ती निकाल दी तो वो खुश हो गए, किसानों के लिए अलग बजट हो गया तो किसान खुश हो गए, क्योंकि 15 महीने इन्होंने तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया था उन लोगों को, बेचारों को, और आंदोलन जी भी बताया था, तो सारे वर्ग खुश हो रहे हैं। महिला शिक्षा के लिए आप देखिए कितने बड़े फैसले, 36 महाविद्यालय इन्होंने कभी नहीं खोले होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि केवल प्रोपोगंडा करने में माहिर है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाने में ये लोग बाग जुटे हुए हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई, इनके पास में सरकार की विफलता के लिए गिनाने को कुछ नहीं है। इस बजट में वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कल मैं दिल्ली गया था तो एक मेरे पत्रकार मित्र ने कहा, हमने JP नड्डा जी से पूछा कि ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये जो फैसला किया है ओल्ड पेंशन स्कीम का, इसके बारे में आपका क्या बहना है? तो उन्होंने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके ऊपर पक्ष में बोलें, खिलाफ बोलें। 25 लाख लोग सीधे के सीधे अशोक गहलोत जी के इस निर्णय से इतने खुश हैं कि वो उन्होंने अपने हक में कर लिए, कांग्रेस को ही वोट देंगे। तो आप समझ सकते हो कि न उगलते बन रही है BJP से ये बजट और न निगलते बन रहा है। ऐसे में पूरे प्रदेश में हम लोग दौरे करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब को मिले, गांव में वंचित लोगों को मिले, यह हमारा प्रयास। सर, आपके बाड़मेर जिले के दौरे पर हैं, 6 विधायक है कांग्रेस के, लेकिन दो विधायक जो खफा है वो नजर नहीं आ रहे। अमीन खान साहब ने तो सीधे तौर पर कहा कि मुस्लिमों का कांग्रेस ध्यान नहीं रख रही है बजट के दौरान। कोई भी नाराज नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, सब सत्ता से खुश हैं, काम से खुश हैं, संगठन से खुश हैं, और कोई बात कहता है उसको कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेती है, उनसे हम लोग बात करते हैं, उनकी कोई बात होती है तो उसको हम लोग तवज्जो देते हैं, होने वाले काम सारे करेंगे, कर रहे हैं, ये सब फालतू की फैलाने की बात। दोनों विधायक नहीं है सर, अमीन खान भी नहीं है। देखिए, ये संगठन का कार्यक्रम था, कोई आए वेलकम, नहीं आए तो वो अपनी बात, राजस्थान की विधानसभा चल रही है वहाँ भी रह सकते हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। हमने केवल जो कैटेगरी के लोग हैं यहाँ जिले स्तर के ऊपर
उन लोगों का प्रशिक्षण रखा गया है, हमने विधायकों का प्रशिक्षण नहीं रखा, लेकिन चूंकि आते हैं, किसी की सुविधा हो गई आ गया, किसी की सुविधा नहीं हुई नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। विधानसभा के सदन में राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कोयला घोटाले का, आरोप है कि कांग्रेस के 5 करोड़ का चंदा देने के बाद एक निजी फर्म का करोड़ों रुपए का टैक्स माफ कर दिया गया। राजेंद्र जी राठौड़ साहब को पूछो भारतीय भवन में 20 करोड़ का क्या खेला हो रहा था। राजेंद्र जी राठौड़ को पूछो कि जब वो चिकित्सा मंत्री थे तो कई अधिकारी एफए और आईएएस अधिकारी पकड़े गए थे घोटाला करते, उस वक्त उनका क्या बयान था। आरोप लगाना बहुत सस्ता है, लेकिन आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक कोई नहीं कह सकता। राजेंद्र जी राठौड़ साहब कहाँ गए थे, कटारिया जी कहाँ गए थे, मैं मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता, लेकिन जब वो दोनों ही बरी हो गए तो अब हम थोड़ी कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये केस है ये केस है। इस मामले में केक की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। केक की रिपोर्ट में वो विनोद राय जी ने हिंदुस्तान की केक की रिपोर्ट पढ़ी थी, माहौल बना और केंद्र से हमारी यूपीए सरकार बाहर हो गई, और वही विनोद राय आज माफ़ी मांग रहा है कि मैंने तो काल्पनिक लिख दिया था, इसमें कोई चीज़ सत्य नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूं देश से और देश की पार्टियों से। तो ये रिपोर्टों का विश्लेषण अपनी मर्जी से करना कतई संभव नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम की बात करते थे, कहां गया वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कोई घोटाला हुआ थोड़ी था। तो काल्पनिक रूप से कोई व्यक्ति किसी प्रकार की बात कर दे उससे कोई नहीं, हम तो प्रमाणित कर रहे हैं कि 400 करोड़ का चंदा राजस्थान से राम मंदिर के नाम से बीजेपी के नेताओं ने इकट्ठा किया कार्यकर्ताओं से, और 100 करोड़ में वहां जमा हुए। हम तो रिकॉर्डली ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ में जमीन खरीदी और 18 करोड़ में आधे घंटे बाद में वापिस भेज दी। तो वो जो घोटाले हो रहे हैं आज बीजेपी, हमारे 70 साल में कार्यालय नहीं बने, हमको युवा स्थल में यहाँ कार्यक्रम करना पड़ रहा है, बीजेपी के पूरे हिंदुस्तान में जिले ब्लॉक और प्रदेश स्तर के ऊपर कार्यालय बन गए, तो वो पैसा ऊपर से बरसा है क्या। तो कहना बहुत आसान है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, आरोपों में सब बेबुनियाद आरोप है। सर, जो किसानों का ऋण माफी का मामला है, किसानों के कर्जे चढ़े हुए उसको लेके हालांकि विपक्ष घेर रहा है, साथ ही साथ इस बार जो जीरे की फसल खराब हुई उसको लेके कांग्रेस का क्या स्टैंड। देखिए, चुनाव जिता करके हमने भेज दिया, आज हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि एक दिन तो जाके कह दो। आप हमसे तो सवाल पूछ रहे हो कि साहब एक विधायक ने या दो विधायक ने अपने एरिया की बात कर ली, उसका हक है, राजस्थान की विधानसभा में सबका हक है, लेकिन ये कह सकते हैं क्या लोकसभा में 25 में से 25 सांसद की, साहब प्रधानमंत्री जी आपने ये घोषणा की थी ये उसको परवन को राष्ट्रीय परियोजना करने के लिए, कर दिया क्या उन्होंने? एक नहीं कह सकता। किसान 15 महीने बैठे रहे, बीजेपी के लोग दबे हुए पीछे से बातें करते थे कि ये मोदी जी और अमित शाह हमको समाप्त कर देंगे, यहाँ बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन 15 महीने बाद में अकल आई, उनके किसी के कहने की हिम्मत नहीं। तो कांग्रेस वो पार्टी है जहाँ उनकी बात रखने की पूरी आज़ादी रहती है, और बीजेपी वो पार्टी है जहाँ हिटलर शाही होती है, दादागिरी होती है, बेईमानी होती है, झूठी बातें होती हैं, और अगर कोई आरोप कुछ भी बात कहता है तो उसको राष्ट्रद्रोही घोषित किया जाता है, या उसको ये कहा जाता है कि साहब जो है ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स वो भेज दिए जाते हैं। तो इस तरीके का माहौल है, आप तो स्वयं इस बात के सब गवाह हो। यूक्रेन के अंदर जो अपने राजस्थान के खूब सारे, देखिए वास्तव में हमारे सब के लिए बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि यूक्रेन में हमारे 20 से 30 हज़ार तक के बच्चे हैं, 20-30 हज़ार बच्चों के भविष्य के साथ में देश के प्रधानमंत्री को तत्काल कोई निर्णय लेना चाहिए था, अब भी ले लेना चाहिए। केवल पुतिन से बात करने से वो बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि खर्चे की बात तो आ रही है कि साहब खर्चा सरकार, केंद्र की सरकार देगी, लेकिन ये तो पहले वैक्सीन में भी कहा था और फिर मुकर गए थे और फिर वापस दे दी, तो अब इनकी कथनी के ऊपर मुझे तो कोई ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन हम सब चिंतित हैं। इस मौके पर यूक्रेन से उन बच्चों को लाने के लिए हम देश के प्रधानमंत्री के, हम सब लोग पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ करके हम साथ हैं कि हमारे बच्चों को कैसे भी ऊपर लाएं। अंतिम सवाल सर, तृतीय श्रेणी 85,000 जो शिक्षक है वो तबादलों के लिए टेंशन में, क्या उनको कोई राहत? 62,000 भर्ती वाले भी टेंशन में है जी, वो भी हमको करनी है, ट्रांसफर भी हमको करना है, 10,000 सेकंड ग्रेड भी हमने करना है, 6,000 व्याख्याता भी हमको करना है, 10,000 कंप्यूटर भी हमको करना है, 10,000 इंग्लिश मीडियम के भी हमको करना है, ये हमारी प्रायोरिटी में है। उनकी समस्या प्रदेश की जनता ने सर आँखों पर बैठाया, उसमें सब लोगों का योगदान है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे किसान हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बेरोजगार हों,
इन सब के आशीर्वाद से ही हम लोग चुनाव जीत करके सत्ता में आए हैं और हर का ध्यान रख रहे हैं। इसीलिए ये ऐतिहासिक बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार भी बोलती बंद हो गई, अब भी बोलती बंद हो गई है। एक दिन तो पिछली बजट में क्या कहा था इन्होंने कि ये तो चुनावी बजट है, अब की बार भी कह दिया चुनावी बजट है, तो अगले बजट को क्या कहेंगे? ये चुनावी बजट नहीं है। जो पिछला बजट था उसका 80% दिसंबर तक पूरा हो गया, जबकि बीजेपी के समय दिसंबर तक 40 और 42% उनका बजट का इम्प्लीमेंटेशन होता था, खर्चा होता था। हमारी सरकार है जो 80% उनको बताना चाहिए कि नहीं वाह मैं गलत कह रहा हूँ, तो उनको विधानसभा में बताने का मौका मिला हुआ कहना चाहिए। 4-5 दिन तो उन्होंने करोड़ों रुपये राजस्थान की जनता के गंवा दिए सरकार बाधित की कार्रवाई को सदन की को, और अब जो है वो बोल रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो पीछे की बातें बोल रहे हैं। वो तो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी जो पार्टी है, एनडीए के जो घटक हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम उन्होंने चालू किया है। हम तो सदियों से कांग्रेस पार्टी तो जब देश की आज़ादी अंग्रेजों से लड़ रही थी तब से वंदे मातरम जय हिंद कह रहे हैं। ये कहाँ से ले करके आए? ये इनके ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ये लोग, बाग केवल छीनना जानते हैं, झूठी बात करना जानते हैं। कांग्रेस पार्टी काम करने में विश्वास करती है और सब 3600 हुकुमों को साथ लेकर के काम करती है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।